नमस्कार। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ प्ले स्टोर से रिलेटेड कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसे कि समझ लो आपको GTA का गेम खरीदना है जो कि लगभग 400 रुपए का है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ मिला करके उसे 1/5 ऑफ द प्राइस में खरीद सकते हो और उसी गेम को 5 दोस्त खेल पाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये है कुछ किफायती बातें और ऐसे ही बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाएंगे आपको इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टेक की बात, कैडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो सबसे पहला ट्रिक है कि किसी भी ऐप के आप बीटा टेस्टर कैसे बने। अब जब व्हाट्सएप जैसे भी कोई नया फीचर लेकर के आता है, जैसे कि समझ लो अभी रिसेंटली वो स्टिकर का जो फीचर है वो लेकर के आया था, और वहां पे आप में से बहुतों ने मुझे बताया था कि यार ये जो स्टिकर का फीचर है हमारे पास बहुत ही लेट पहुंच रहा है। तो ऐसे में आप उन सारे ऐप्स के बीटा फीचर में इनरोल कर सकते हैं। और बीटा टेस्टर्स दोस्तों क्या होते हैं कि कभी भी कोई ऐप कुछ एक नया फीचर लेकर के आता है तो उसका एक अनस्टेबल वर्जन वो पहले मार्केट में लॉन्च करता है, जिससे कि पता चल जाएगी कि भाई वो फीचर कितना सही है कितना गलत। और ऐसे में अगर आप किसी भी ऐप के जो डिस्क्रिप्शन वाला पेज है उसको खोलें और एकदम नीचे अगर स्क्रॉल करें तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा कि डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द बीटा प्रोग्राम। और ये हर एक ऐप में दिखाएगा, सिर्फ जिस ऐप के डेवलपर्स इसे सपोर्ट करते हैं वहीं पे आपको ये बटन दिखेगा और IM IN अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लो तो फिर 15 से 20 मिनट बाद आपको वहाँ पे ये दिखा देगा कि भाई अब आप हो इस ऐप के बीटा टेस्टर और फिर आप इस ऐप को अपडेट कर पाओगे, जितने भी नए फीचर्स हैं आपको सबसे पहले मिलेंगे। लेकिन एक और बात, अगर आप बीटा टेस्टर किसी ऐप के हो तो वहाँ पे ये ध्यान रहे कि वो ऐप एकदम स्टेबल नहीं है, क्रैश हो सकते हैं और वहाँ पे थोड़े बहुत बग्स आपको मिल जाएंगे और यही चीज़ आपको डेवलपर खुद भी बोलेंगे। दूसरा ट्रिक है दोस्तों अनरिलीज या फिर हिडन ऐप्स कैसे एक्सेस करें। तो अनरिलीज ऐप्स क्या होते हैं कि वो बीटा टेस्टर्स से भी पहले वाले ऐप होते हैं जहाँ पे आप रिव्यूज नहीं देख सकते हो और एकदम नए ऐप जो डेवलपर्स हैं मार्केट में लेके आए हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर के जो होम स्क्रीन है उसके एकदम राइट हैंड अगर आप स्वाइप करेंगे तो वहाँ पे अर्ली एक्सेस का एक टैब मिल जाएगा जहाँ पे ऐप्स और गेम्स दोनों ही के दोस्तों डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाएंगी और ये सारे ऐप्स आप कभी भी कहीं भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। बट वही है कि इसको रिव्यू नहीं कर सकते और इसमें अगर कोई बग्स होंगे तो उसके साथ आपको रहना पड़ेगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐप्स आपको इसके लिस्ट में नहीं मिलेंगे, जैसे पबजी का जो अनरिलीज वर्जन है जो बीटा वर्जन है, अगर आपको वो चाहिए तो आपको अपने जो ओमनीवार सर्च बार है गूगल प्ले स्टोर के वहाँ पे अंडर कोट्स लिखना है ब्रैकेट के अंदर अनरिलीज और फिर सर्च करना है और ऐसे में बहुत सारे ऐप्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जो कि अर्ली एक्सेस में अनरिलीज हैं और आप फिर उसे वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब तीसरा ट्रिक है दोस्तों एक पर्टिकुलर पेड ऐप को अपने दोस्तों के साथ मिलकर खरीदने का। अब गूगल ने अभी इंडिया में रिसेंटली लॉन्च किया है फैमिली प्रोग्राम जहां पे आप एक फैमिली में 5 लोगों को ऐड कर सकते हो और फिर अगर आप कोई भी ऐप खरीदो तो वो जो दूसरे 5 बंदे हैं वो उसे इंस्टॉल करके यूज कर पाएंगे। अब इसके लिए आपको अपने गूगल प्ले स्टोर ऐप के लेफ्ट साइड बार में जो अकाउंट ऑप्शन है वहां जाना है और फिर वहां पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा जो कि है फैमिली का। इसमें आपको एनरोल करना है कि भाई ठीक है मैं अपनी फैमिली है उसमें जो दूसरे लोग हैं उसको डालूंगा और फिर वहां पे आप किसी को भी ईमेल के थ्रू या फिर फोन नंबर के थ्रू कर सकते हो इनवाइट और उनको चला जाएगा एक ईमेल कि भाई तुम इस पर्टिकुलर फैमिली ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और जैसे ही आपकी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो जाए तो आप एक ऐप खरीद लो जो कि समझ लो GTA San Andreas का लगभग 400 रुपए का और फिर आप उसे वापस से नीचे आपको एक बटन मिल जाएगा जहाँ पे लिखा होगा कि शेयर विद योर फैमिली मेंबर्स, उसे आप कर दो ऑन। जैसे ही दोस्तों आप उसको ऑन करोगे तो दूसरे लोग हैं वो भी उसे इंस्टॉल कर पाएंगे और फिर आप अपने दूसरे दोस्तों को बोल सकते हो कि भाई ठीक है 400 रुपए का ऐप खरीदा है इसे डिवाइड बाय 5 कर ले तो हम सब जितने भी हैं उसको मिल करके खरीद लेंगे। और ये सिर्फ ऐप्स में नहीं, आप मूवीज भी खरीद सकते हो, बुक्स भी खरीद सकते हो और अपने जो खर्चे हैं उसको एकदम कम करके पेड ऐप्स फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो, एक्चुअली नॉट फ्री में, कम पैसे में। अब चौथा और बहुत ही कूल ट्रिक है दोस्तों इंस्टेंट ऐप्स का और वो पिछले साल रिलीज हुआ था लेकिन अब ओरियो और पाई में ये हमें फीचर देखने को मिल गया है। तो समझ लो कोई ऐप है जैसे बसफीड न्यूज़ है, अगर आपको वो सिर्फ ट्राई करना है कि भाई इंस्टॉल करो पूरा डेटा डाउनलोड करो और वो जो 1.5 GB में अगर आप नहीं करना चाहते हो दिन के तो आप उसे डायरेक्टली ट्राई कर सकते हो और फिर अगर अच्छा लगे तो आप उसको इंस्टॉल कर पाओगे। सेम फीचर दोस्तों आपको गेम्स में मिल जाएगा, जैसे कि क्लैश रॉयल है उसमें आपको एक बटन मिल जाएगा इंस्टॉल का और एक बटन मिल जाएगा ट्राई नाउ का। ट्राई नाउ पे अगर आप टैप करोगे तो वहाँ पे जो नेसेसरी फाइल्स है लगभग 1 स्टेज की वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आप थोड़ा बहुत देख सकते हो भाई ग्राफिक्स ठीक है क्या, गेम प्ले ठीक है क्या, मेरे लाइक गेम है क्या और फिर अगर आपको अच्छा लगा तो आप वहाँ पे इंस्टॉल का बटन दबा सकते हो। इससे आपका डेटा भी सेव होता है और टाइम भी सेव होता है। अगला बहुत ही कूल ट्रिक है दोस्तों रिव्यू पता लगाने अपने पर्टिकुलर फोन से रिलेटेड। अब ये चीज़ मुझे
जब पोको F1 में यूज़ कर रहा था तब बहुत यूज़फुल आई थी। जैसे समझ लो पबजी का जो गेम था वो मेरे फ़ोन के लिए नॉच दिखा रहा था और मुझे ये जानना था कि भाई सिर्फ मैं ही हूँ क्या जो इस पर्टिकुलर चीज़ का भुगत भोगी हूँ। तो वहाँ पे अगर आप प्ले स्टोर के रिव्यू में जाओ और वहाँ पे जो ऊपर राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई सिर्फ लेटेस्ट वर्जन के मुझको रिव्यूज़ दिखा और वो रिव्यूज़ दिखा जो दूसरे बंदों ने मेरे फ़ोन के जो खेले हैं उसमें है। तो समझ लो अगर आप पोको F1 यूज़ कर रहे हो या फिर OnePlus 6 तो वहाँ पे आपको सिर्फ अपने ही फ़ोन से रिलेटेड वहाँ पे रिव्यूज़ दिख जाएंगे और आप देख सकते हो कि लोगों ने क्या रिव्यू किया है कि उनके भी उस नॉच में प्रॉब्लम आ रही है, उनको भी बैटरी ड्रेन इशू हो रहा है नहीं हो रहा, और उन पर्टिकुलर ग्रुप्स को जो कमेंट्स उसका आप कैटेगराइज कर सकते हो कि लेटेस्ट फर्स्ट या मोस्ट यूजफुल फर्स्ट। तो ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है और इसके बारे में आप सभी को तो पक्का पता होना चाहिए। अब अगला फीचर है दोस्तों डिसेबल ऑटो अपडेट्स का, और ये फीचर क्यों यूजफुल है सबसे पहले मैं वो बताऊंगा। अब कुछ ही दिनों पहले दोस्तों Zomato ने अपना पूरा ऐप रीडिजाइन कर लिया था एंड मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें हुई क्यों, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक ऐप अपडेट ऑन करके रखा था। तो मैंने उस पर्टिकुलर ऐप को इंस्टॉल किया APK मिरर में जाकर के, जो थोड़ा पुराना वर्जन है उसको डाउनलोड करके फिर मैंने इसको मैन्युअली इंस्टॉल किया ताकि भाई वो जो इंटरफेस है मुझे समझ में आए। इसके बाद दोस्तों मैं उस Zomato के पर्टिकुलर प्ले स्टोर पेज में गया, फिर ऊपर आपको 3-डॉट मेन्यू मिल जाएगा और उसके नीचे दोस्तों एक चेकबॉक्स है, उसमें लिखा होगा इनेबल ऑटो अपडेट्स। उस चेकबॉक्स को अगर आप हटा देंगे तो चार्ज के टाइम पे वाईफाई से अगर कनेक्टेड हो कहीं पे भी वो पर्टिकुलर ऐप अपडेट ऑटोमेटिकली नहीं होगा। अगला फीचर है रेस्ट्रिक्ट परचेजेस का, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका फ़ोन, आपके कोई छोटे भाई या आपके बच्चा अगर आपका फ़ोन ले रहा है और वहाँ पे दोस्तों इन ऐप परचेजेस में लगभग 50 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक के वहाँ पे आप चीज़ें खरीद सकते हो। अगर आपका क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी एडेड है तो आप अपने सेटिंग्स पेज में जाइए और फिर वहाँ पे जो परचेजेस है उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई हर परचेज में तुम मुझसे पूछ, मेरा पासवर्ड चाहिएगा, मेरा फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन चाहिएगा, और तभी वो जो इन ऐप परचेजेस हैं या फिर कोई भी ऐप अगर आप प्ले स्टोर से खरीद रहे हो तो वहाँ पे वो आपके जो पैसे हैं तभी डिडक्ट होंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने फ़ोन को दूसरों के साथ शेयर करते हो, अपने छोटे भाइयों के साथ शेयर करते हो, और अगर नहीं चाहते कि आपके नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से वो पैसे डिडक्ट होते रहें। अब नेक्स्ट ट्रिक भी दोस्तों पैसे से रिलेटेड, और वो है चेक योर सब्सक्रिप्शन। और प्ले स्टोर अब पहले जैसा नहीं रहा कि भाई 20-30 रुपये में ऐप खरीदा, 100 रुपये में ऐप खरीदा और वो हमेशा के लिए आपका हो गया। नहीं, अब आपके लिए ईयरली मंथली सब्सक्रिप्शन भी है। समझ लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो लगभग 300 रुपये लेता है महीने के, जिसमें आपको सारा का सारा सूट मिल जाता है। तो ट्रायल पीरियड जो होता है दोस्तों वो लगभग 30 दिन का फ्री होता है, और उसमें क्या होता है कि 30 दिन खत्म होने के बाद वो 31वें दिन आपके पैसे काट लेंगे और वो महीने के महीने काटते रहेंगे। अगर आप ये नहीं चाहते हो तो फिर आपको वहीं अकाउंट्स में जाकर के सब्सक्रिप्शन में जाना है और आप वहाँ से मैनेज कर सकते हो कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं खर्च करने, और फिर वहाँ से आप कर दो उसे कैंसिल। इससे क्या होगा कि वो 30 दिन के लिए तो आप यूज़ कर ही पाओगे लेकिन 31वें दिन वो ऑटो रिन्यू नहीं होगा। सेकेंड लास्ट ट्रिक है दोस्तों क्लियर हिस्ट्री का, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको अपने जो प्ले स्टोर के सेटिंग्स में जाना है और फिर आपको यहाँ पे अगला जैसे चौथा ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर सर्च हिस्ट्री, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप नहीं चाहते हो कि वो सिर्फ सर्च बार है, उसमें अगर आपने कुछ ऐप्स ढूंढ रखे हैं, आप नहीं चाहते हो कि भाई आपके फैमिली मेम्बर देख लें, भूल से आपके भाई देख लें, तो इस चीज़ों को आप टाइम टू टाइम करते रहा करो। और सबसे लास्ट फीचर है दोस्तों ब्राउज ऐप बाय कैटेगरीज, और प्ले स्टोर में भाई मिलियंस ऑफ ऐप हैं और हर एक कैटेगरी के जो ऐप होते हैं आपको प्ले स्टोर के होम पेज में नहीं देखते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स का ऐप देखना है, मुझे सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड ऐप देखना है, तो आपको क्या करना है कि ऊपर थर्ड ऑप्शन दिख जाएगा कैटेगरीज, और फिर वहां जाकर के आप अपने पसंदीदा कैटेगरीज में कौन से टॉप पेड हैं, कौन से टॉप फ्री ऐप्स हैं वहाँ पर देख सकते हो, और फिर वहाँ पर आप कर पाओगे उन्हें इंस्टॉल। बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों अगर आपको वो जो प्लेथोरा ऐप ऐप्स हैं उसमें से अगर हैंडपिक्ड आइटम्स चूज करने हैं। तो ये थे दोस्तों प्ले स्टोर से रिलेटेड 10 ऑसम टिप्स एंड ट्रिक्स, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ एक थम्सअप जरूर देना। अगर कोई भी ऐसी ट्रिक्स है, जैसे 2 नंबर 4 नंबर कोई सी भी ऐसी ट्रिक्स है जो आपको नए सीखने को मिली है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वो लाल सब्सक्राइब का बटन भी अभी जरूर दबाएं। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।